सो गाइस, जब से टाटा ने अपनी नेक्सॉन फेसलिफ्ट को अनवील किया है इंडियन मार्केट में, तब से इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया इस कार का। एंड रिसेंट टाइम में कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस कार का ड्राइव रिव्यू किया है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इस कार के बारे में। एंड आज की वीडियो में मैं अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं उसके बारे में। सो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक करना भी ना भूले। तो गाइस, जो पॉइंट्स मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, या अगर आप एग्री करते भी हैं या डिसएग्री करते हैं, जो भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस, हम सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे एंड बात करता हूं मैं कि क्या क्या पॉइंट्स रेस किए हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट जितने भी रिव्यूज आपने देखे होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं एंड काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, उन लोगों ने जो जो पॉइंट्स रेस किए हैं, मैं सीधे उन पे आना चाहता हूं और उनके बारे में बात करना चाहता हूं। तो कुछ यूट्यूबर्स ने ये रेस किया है कि इस कार में एक अपग्रेडेड इंजन उनको नहीं मिला है, जो कि एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो यार, मेरा मानना है कि ये एक फेसलिफ्ट वर्जन है, ये कोई न्यू जनरेशन कार नहीं है। एंड नॉर्मली फेसलिफ्ट में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलते हैं। सो आई होप अगर इसका कोई न्यू जनरेशन आता है इन फ्यूचर, तो हो सकता है कि उसमें आपको इंजन में चेंजेस देखने को मिल जाए। बट हाँ, एग्री करता हूँ, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मुझे भी लगा, बट बिकॉज फेसलिफ्ट है तो ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते फेसलिफ्ट में आपको इंजन में कुछ चेंजेस मिलेंगे, ऑल्दो डिजाइन वाइज काफी अच्छा काम किया टाटा ने। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो मैंने देखा कि कई यूट्यूबर्स ने रेस किया है, वो रेस किया है कि इस कार में पैनल गैप्स है। यार, मैं सच बोलूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज टाटा भी काफी टाइम से अब कार मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंड मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि मैंने पंच जो मैं ओन कर रहा हूँ इस पे भी मैंने पैनल गैप्स बताए थे, एंड इवन टाटा की और भी कार्स में आपको पैनल गैप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपने इतना अच्छा डिजाइन वाइज इतनी अच्छी कार बनाई है, एंड आप वो इशू सुधार सकते थे अपनी कार में, एंड वो पैनल गैप्स का इशू जो है वो रिजॉल्व कर सकते थे। बट फिर भी अगर पैनल गैप्स वाली कंप्लेंट आ रही है तो आई कैन अंडरस्टैंड, ये सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज 10 लाख आप खर्च कर रहे हो, 10 से 12 15 लाख खर्च कर रहे हो कोई कार में, और अगर उसमें ऐसे पैनल गैप्स की प्रॉब्लम आए तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। एंड पर्सनली जिसको भी जो भी ले रहे हैं कार, उसको फील होगी ये बात। तो ये पॉइंट सच में मुझे भी लगा कि यार इस चीज में काम करना चाहिए था टाटा को। सेकेंड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट जो रेस किया है एक यूट्यूबर्स ने, उन्होंने का मानना है कि रेयर जो कार का लुक है उसको काफी ज्यादा ओवर कर दिया, काफी बिजी डिजाइन बना दिया गया, जिससे कार पहले से कंपैरिजन में थोड़ी छोटी लग रही है। मेरा मानना बिल्कुल डिफरेंट है इसके। मेरे अकॉर्डिंग रेयर में बहुत अच्छा काम किया डिजाइनर्स ने, काफी अच्छा रेयर लुक इसका आ रहा है। एंड अभी का जो कंपटीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो भी टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो काम किया गया, जैसे कनेक्टिंग टेल लाइट्स का फीचर उन्होंने दिया है, ऑल्दो एग्री कि लोग बोल रहे हैं कि i20 जैसा सिमिलर लग रहा है, बट अभी आप देखोगे तो रिसेंटली जितने भी कॉम्पिटिशन में कार आ रही है उनमें ये फीचर्स आपको मिल रहा है एंड लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना टाटा भी इस तरह के डिजाइन अपनी कार्स में लाए। एंड मुझे पर्सनली रियर व्यू कार का बहुत अच्छा लगा है। हाँ, एक पॉइंट है जो मेरे को भी नहीं लगा सही, वो है कि रेयर में इन्होंने 2 पार्किंग सेंसर्स ही दिए हैं, और मोस्टली अपनी कार्स में 2 पार्किंग सेंसर्स देते हैं। मेरे हिसाब से आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देने चाहिए रेयर में भी, तो अगर देखते तो बहुत अच्छा होता। अदरवाइज डिजाइन वाइज तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है कि रियर में मेरे को कहीं से भी इसका डिजाइन रियर से खराब नहीं लगा। एंड पर्सनली मैंने भी कार इन पर्सन देखी नहीं है, बट जितना इमेजेस और जितना वीडियोस मैंने देखा उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कार छोटी लग रही है पहले के कंपेरिजन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो मैं इस पॉइंट से डिसएग्री करता हूं, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते आप मुझे बता सकते हो, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं सही बोल रहा हूं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। सेकंड पॉइंट कह सकते हैं जो उन्होंने रेस किया है, वो इन्होंने जो अभी तक टेस्ट ड्राइव करी थी वो इसके डीसीए ट्रांसमिशन की करी थी, एंड डीसीए ट्रांसमिशन जो इन्होंने टेस्ट ड्राइव किया उसमें कई यूट्यूबर्स को मैल फंक्शनिंग का इशू देखने को मिला, जो कि एक सीरियस इशू है मेरे अकॉर्डिंग। अगर कंपनी ने कार लॉन्च कर रही है, ऐसा इशू मैल फंक्शनिंग का इशू उनको आया है अपनी कार्स में जिन्होंने रिव्यू किया है, तो ये एक सीरियस इशू है, कंपनी को इस बारे में देखना चाहिए, बिकॉज आप
टेस्ट ड्राइव के लिए आप कोई भी व्हीकल भेज रहे हो मीडिया ड्राइव के लिए, तो आपको एटलीस्ट ये वाले इश्यूज तो नहीं आने चाहिए, बिकॉज नाम खराब होता है यार कंपनी का, एंड ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, एंड एग्री ये नहीं होना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट, दोबारा सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा वो है प्लास्टिक क्वालिटी को लेके। मैंने वीडियोस में देखा कि प्लास्टिक क्वालिटी सही नहीं बताई गई है। जो आपने देखा होगा एरिया ट्रांसमिशन के, गियर ट्रांसमिशन के पास का जो एरिया है, वहाँ पे जो प्लास्टिक जो पैनल गैप्स आ रहे हैं, जो उसके लॉक्स ढंग से नहीं लग रहे हैं, वो एग्री कर रहा हूँ, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए प्लास्टिक क्वालिटी। अभी वैसे इन पर्सन कार मैंने नहीं देखी है, अभी शोरूम में 14 को आएगी ये, उसके बाद ही मैं देख के बता पाऊंगा आपको कि एक्चुअल में प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है कार की। बट अगर ऐसा है तो वो भी चीज़ सही नहीं है, प्लास्टिक क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए थी। एंड अगर ऐसा है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है टाटा से, बिकॉज टाटा काफी टाइम से कार बना रहा है यार। आप नंबर टू कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई हो इंडिया की, एंड आपको इन चीजों में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। फिट एंड फिनिश के मामले में भी अगर देखोगे कंपटीशन, तो बहुत अच्छी कार्स दे रहा है, तो उस हिसाब से टाटा को भी इसमें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जो ग्लॉसी मटेरियल का यूज किया गया है इसके इंटीरियर में। आपने कई जगह देखा होगा स्टेयरिंग में एसी कंट्रोल के पास जो ग्लॉसी मटेरियल यूज किए गए हैं, उसमें स्क्रैचेस लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एंड एग्री करता हूं मैं इस बात से, बिकॉज आपने मीडिया ड्राइव वाली गाड़ी में भी देखा होगा कि स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाएंगे उसमें, तो मैं वो एग्री करता हूं कि हाँ यार वो बात सही है। अगर आप भी ये इन पर्सन यूज करोगे कार तो उसमें स्क्रैचेस लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो हाँ ये एक इशू है। एंड इसके लिए या तो कुछ प्रोटेक्शन एक्सेसरीज एज एक्सेसरीज टाटा लाए, बिकॉज ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि उसकी नई गाड़ी में ऐसे स्क्रैचेस लगे, तो ये चीज है जो कि सही नहीं है। बट आई होप इसके लिए टाटा जरूर कुछ ना कुछ एक्सेसरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी जो आपकी इन पार्ट्स को स्क्रैचेस से बचा सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगा तो वो है जो एसी कंट्रोल्स जो दिए गए हैं, टच एसी कंट्रोल्स हैं, एंड कई यूट्यूबर्स ने कंप्लेन की है कि वो ढंग से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, प्रेस नहीं हो रहे बटन्स उसमें, तो ये चीज़ अगर है तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी जगह उस टच की जगह बटन्स ही रहते तो ज़्यादा बेटर रहता। एंड यार ये चीज़ तो मैं आपको तभी क्लेरिफाई कर पाऊंगा जब मैं इस कार को इन पर्सन देखूंगा, जब मैं खुद इसका ड्राइव रिव्यू लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि सही में ये इश्यूज़ हैं या नहीं। बट अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कुछ इश्यूज़ हैं जो इस कार में हैं, तो मेरा मानना है कि उनमें से कुछ इश्यूज़ है जिसके लिए मुझे लगता है कि यार नहीं मेरे अकॉर्डिंग वो इतने मेजर इश्यूज नहीं है, या मैं उनको इशू नहीं मानता। कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जो जेन्युइन इश्यूज हैं जो कि सही होने चाहिए थे, बट इसके अलावा भी इस कार में बहुत कुछ है यार। एंड आई होप कि लोग इस कार से बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, एंड जिस हिसाब से डिजाइन वाइज काम किया गया है इस कार में वो बहुत अच्छा है, एंड बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही है ये कार। एंड आई होप इस कार की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जैसे ये कार मार्केट में आएगी। सो गाइस आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, एंड जैसे ये कार शोरूम्स में आएगी हम इसको कवर करेंगे, एंड इसका डिटेल रिव्यू मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।